तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो हस्बैंड केक लेके आ गए थे, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस ये सेलिब्रेशन किया है छोटा सा। तो देखिए हमारा केक कट गया है और अब हम आपस में दोनों खा लेंगे। और ऐसे बस इतना ही किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो आप सभी हमारी खुशी में शामिल हो जाइए और आप सभी भी केक खा लीजिए, सबसे पहले आप कोई हैं। तो फ्रेंड्स, और देखो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, तो बताइए कैसी लगी आपको। और अब देखना बेटे को खिला रहे हैं हस्बैंड, तो ये तो बहुत ज़्यादा, बच्चे तो वैसे बहुत खुश रहते हैं, तो वो तो है ना कब से कह रहा है कि जल्दी केक काटो जल्दी केक काटो, उसको तो बहुत जल्दी लगी हुई थी। देखो अपने पापा के लगा दिया है उसने केक, तो बड़ा नटखट है ये, और बस इतना खुश हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, इसको सब्र नहीं हो रहा था। हो गया है तो बस इतनी छोटी सी है और मेरे बर्थडे पर क्या डांसिंग कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटा भी खा रहा है, अब मेरे को खिला दिया है केक, और खुद बड़ा खुश हो रहा है केक लगा लगा के मुंह पे, हमारे मुंह को पूरे को साफ कर दे, पापा के भी, मुझको भी, उसको, बच्चे तो बड़ा बड़े खुश होते हैं इन छोटी छोटी पार्टियों में, बस बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और बस इतनी छोटी सी पार्टी करी थी। मम्मी पापा सब गाँव में हैं, तो बस हम ही हैं तीनों फैमिली में यहाँ पर दिल्ली में, तो बस मैं सोची चलो आपको थोड़ा सा सेलिब्रेशन। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने साड़ी पहनी थी, और बताइए ये वाली साड़ी मेरी कैसी लगी आपको, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए आप कमेंट करके मेरी साड़ी कैसी लगी आप। और चलिए आप किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खीर बनाने के लिए रख दी, इसको अंदर उबाल आ चुका है बिल्कुल अच्छे से, और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दी है चावल, और इसको धीरे धीरे हम हिलाते जाएंगे। तो देखिए, और ये खाने में बहुत अच्छी बनेगी, और जब तक हमारी खीर बड़ी होगी तो हम अपना आटा भी तैयार कर लेंगे पूड़ी का। तो आटा तैयार करने के लिए मैंने आटा ले लिया है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक चम्मच हम नमक की डाल दी है, और कसूरी मेथी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे एक टीस्पून, और कसूरी मेथी से हमारी पूड़ियों का बहुत अच्छा स्वाद आता है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। एक टीस्पून हमने घी डाला है, तो ऐसे करके आप भी बनाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है ऐसे आप अगर पूड़ी बनाओगे तो, और बड़े मज़े आएंगे खाने में भी, और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहा है, और हमारा देखो आटा बन के हो गया रेडी, आप देख लीजिए खुद ही तो कितना अच्छा सा आटा तैयार हो गया। एक बार खीर को फिर से चेक कर लेते हैं हम, तो आप खुद ही देख लीजिए कितनी अच्छी सी खीर बनके रेडी हो गई है हमारी, बिल्कुल ही आप खुद देखो, देखा कितनी अच्छी खीर बनी है। और कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, तो थोड़ा सा बेलन पे लगा लेते हैं हम तेल, पूड़ियों के लिए छोटे छोटे हिस्सों में मैं ये बना लेती हूँ। देखो ये छोटे छोटे पेड़ियाँ करके हम बनाएंगे।
ये सारी पूड़ियाँ बना लेती हूँ मैं ऐसे करती हुई, और अभी सब धीरे धीरे फटाफट फटाफट इनको बना लूँगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।